श्रम मंत्री द्वारा किया गया सड़क का लोकार्पण 2 साल बाद भी अधूरा। मामला बमौरी विधानसभा के निवेरी गांव का है, जहां वर्ष 2018 जून को वर्तमान कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपनी विधानसभा के अंतर्गत निवेरी गांव में 61,70,000 की लागत से स्वीकृत लगभग 3 किलोमीटर दूरी वाली सड़क मुख्यमंत्री सड़क योजना से बनाई जाने वाली सड़क का है, जिसे पूर्व विधायक पद पर रहते हुए महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भूमि पूजन किया था, लेकिन 2 वर्ष पूर्व भूमि पूजन का काम धरातल पर शून्य की स्थिति में है, जिससे निवेरी ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के लिए हमने कई वर्षों से गुहार लगा रहे थे, पर किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं था, जिसके चलते हमें अपने वाहनों को ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 4 माह पहले फतेहगढ़ में हुए कार्यक्रम आपकी सरकार आपके द्वार में भी श्रम मंत्री को लिखित आवेदन ग्रामीणों के द्वारा दिया गया था। फतेहगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर विजय की रिपोर्ट। जब संजू भैया विधायक थे, जब उस टाइम मतलब इसका भूमि पूजन हो चुका था, जब भी अभी तक उस काम नहीं हुआ, 2 साल हो चुके हैं और अब तो मंत्री बन चुके हैं, जब भी ये काम हो नहीं रहा, रोड बनी नहीं रहा, बहुत मुसीबत आ रही है। बारिशों में मतलब कि काफ़ी परेशानी आती थी और महिलाएं या लेडीज़ वगैरह किसी को भी यदि बीमार दुखी हो जाती तो कहीं बाहर मतलब अस्पताल ले जाने में बहुत सारी तकलीफें आती थी, और मतलब कि यदि जाना होता तो कम से कम 10-12 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ता था। अभी इतना बेकार रास्ता जिसकी कोई हद नहीं है, पैदल चलना मुश्किल है, इतना बेकार है। जब देखो पत्थर पट के थोड़ा बहुत रास्ता चालू किया, नहीं बिल्कुल बंद है, रास्ता चालू नहीं है।